हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एयरटेल कंपनी से बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस मंथ में। इसके अलावा 2019 के फर्स्ट मंथ जनवरी में बहुत सारे और भी जो कि रिक्रूटमेंट निकला होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किस तरह से मिल सकता है इस कंपनी के थ्रू, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, इस आप लोग अगर एयरटेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला, बहुत सारे वैकेंसी है, उसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्ट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या रिसेंटली पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, फर्स्ट आपका पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है ISPOMM इंजीनियर, जिसके लिए आपका जॉब लोकेशन रहेगा असम गुवाहाटी में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है TSM रूरल प्रीफेक्ट, जिसके लिए आपको पोस्ट निकला हुआ है मेघालय शिलोंग। TSM रूरल प्रीफेक्ट जिसके लिए मिजोरम एजाओ के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइवेट कंपनी के जो कि ब्रांच होता है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे जो कि लोकेशन आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया में आपका हो सकता है। तो ध्यान रखना होगा आप किस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के पहले आपको देख लेना उस जॉब के क्या डिटेल दिया गया है। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को जो जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के अंदर जाके आपको वो डिटेल्स पता करना होगा कि कौन सा जॉब लोकेशन है या क्या क्या है क्वालिफिकेशन। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद उस जॉब का जो डिटेल्स है आपके पास यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, कोई भी आपको ऑफलाइन मोड या कुछ भी आपका एप्लीकेशन चार्ज इस तरह की कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस पेज में आके ऑनलाइन जॉब आप ऑनलाइन जॉब यहाँ पे अप्लाई कर सकते। इसके लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आके अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक जॉब की पोस्ट जो निकला हुआ है रिसेंटली उसको यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ, जिसका पोस्ट है ISPOMM इंजीनियर इंडिया 25340। ये है जॉब के जो कि पोस्ट नेम है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे जॉब रोल जॉब टाइप क्या है यहाँ पे सब कुछ डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांड लेवल जो है एफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, जॉब टाइप है स्टैंडर्ड, जॉब की पोस्टिंग हुआ है 15 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो कि रिसेंटली ये पोस्ट हुआ है इस जॉब का। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कोई भी बात नहीं है। अगर आप 12 पास है तब भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते। इसके बाद अगर आपका आपका सिलेक्शन होना वो पूरा यहाँ कंपनी के ऊपर रहता है। आपको अप्लाई आप 12 पास के बाद से यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को यहाँ पे आपको फिलअप करना हो। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आपको पहली बार आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको न्यू यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप पहले भी एयरटेल में अप्लाई कर चुके थे जॉब के लिए आपको वहाँ से लॉग इन करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो कि आपका एक्सेप्ट जो कि एक प्राइवेसी के लिए यहाँ पे एक दिया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला आएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एक यूज़र आईडी यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका पासवर्ड एंड ईमेल आईडी देके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसके बाद उस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना उस जॉब के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। फॉर्म में आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल एंड अगर आप कोई भी जॉब कर रहे थे या आपके पास कोई भी जॉब के एक्सपीरियंस है आप वहाँ पर दे सकते। इसके अलावा जो लोग फ्रेशर है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते।
तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको वहाँ पे आपका जो रिज्यूम है आपको वहाँ पे अटैच करके सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप कुछ ही दिन में अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो ये सिलेक्टेड होता है फॉर द कंपनी, तो उसके बाद कंपनी आपके लिए कॉल या ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेगा फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो तब आपका जो जॉब है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एयरटेल में बहुत सारे और भी पोस्ट निकला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा। आप जिस भी जॉब लोकेशन या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए आप सेम तरीका अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हो उस जॉब के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन रहता है आपके पास आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।